हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मैकल में। तो पिछले क्लास में स्टडी किया था आपको गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन चूंकि हमारा केमिस्ट्री 11th का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, जिसमें हम स्टडी करते हुए हम आए हैं। आपको आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गुणित अनुपात का नियम क्या है, अगर नहीं जानते तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि इस तरह का डेली आपको केमिस्ट्री 10th से लेकर 12th का केमिस्ट्री का लेक्चर और साइंस के लेक्चर आपको हमेशा नोटिफिकेशन के रूप में, लाइव स्ट्रीम के रूप में, कंसेप्ट के माध्यम से आपको डेली मिलते रहेगा। चलिए, तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम जो है 1792 ईस्वी में रिचर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने? 1792 ईस्वी में रिचर नामक वैज्ञानिक ने व्युत्क्रम अनुपात को दिया था। यह नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार कहता है कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व, जब दो भिन्न भिन्न एलिमेंट, ठीक है, एक तीसरे एलिमेंट के, या जब दो भिन्न भिन्न तत्व का मास, ठीक है, एक तीसरे एलिमेंट के एक निश्चित मास से क्या करता है, संयोग करता है, तो परस्पर सरल अनुपात में होते हैं या उसके पूर्ण गुणज में होते हैं। यानी कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व एक तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो परस्पर सरल अनुपात में होते हैं, सिंपल रेशियो में होते हैं, या उनके मल्टीपल में होते हैं, या तो उनके पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। चलिए हम लिखते हैं इस नियम के अनुसार, ये लिख लेंगे आप 1792 रिचर लिख लेंगे। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व, जब दो भिन्न भिन्न तत्व, जब दो भिन्न भिन्न तत्व एक तीसरे तत्व, तीसरे तत्व के, जब दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं, संयोग करते हैं, ठीक है। जब दो भिन्न भिन्न तत्व, यानी कि एलिमेंट क्या है, दोनों डिफरेंस है, और एक तीसरे एलिमेंट से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और तीसरे एलिमेंट का मास क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो वो तीसरे तत्व के एलिमेंट से निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं, संयोग करते हैं, तो वे परस्पर सरल अनुपात, और अनुपात किस में होगा, द्रव्यमान का, परस्पर सरल अनुपात में होते हैं या उसके उसके पूर्ण गुणज होते हैं। क्लियर? यानी कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व एक तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमान जो होगा एक निश्चित, उनके द्रव्यमान जो होगा एक रेशियो में होगा, सिंपल रेशियो होगा या मल्टीपल के रूप में या पूर्ण गुणज के रूप में होगा, होल मल्टीपल के रूप में होगा। चलिए हम एग्जांपल से देखते हैं कैसे इसका आएगा। जैसे हम मानते हैं, जैसे मानते हैं कि कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग किया और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग किया तो मीथेन बनाया, ठीक है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो H2O बनाया, और कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया
तो CO2 बनाया। क्लियर। कार्बन ऑक्सीजन दो क्या है, भिन्न भिन्न एलिमेंट है जो हाइड्रोजन से क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग किया तो मीथेन बनाया, और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो वाटर बनाया, और कार्बन और ऑक्सीजन अपने आप में संयोग किए तो CO2 बनाया। अब हम देखते हैं यहाँ पर इस नियम का कैसे फॉलो होता है। CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, कार्बन कितना है 12 है और हाइड्रोजन कितना है 4 है। ठीक है, कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है 4 होता है। फिक्स। अब यहाँ पर H2O में आते हैं, H2O में यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन का, H2O में हाइड्रोजन, यहाँ पर एक चीज का मास फिक्स है, हाइड्रोजन को H2O लिखें या 2 से मल्टीपल कर देते हो जाएगा H4O2। क्लियर। अब यह H4 क्या हो गया फिक्स, यानी कि चूंकि हाइड्रोजन का मास हम फिक्स कर रहे हैं, हाइड्रोजन का मास फिक्स करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 4, यहाँ पर क्या हो गया O। तो हाइड्रोजन और कार्बन ऐसे हम कर लेते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 4 और 12। फिर यहाँ पर क्या गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 4 और 16 गुना 32। यह मास क्या हो गया फिक्स, यानी हाइड्रोजन का मास क्या हो गया फिक्स, एक तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, तो निश्चित द्रव्यमान क्या हो गया फिक्स। तो ये जो है जो आपको कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वह 12:32 हो रहा है, जिसका मतलब 3:8, 4×3=12, 4/32, यानी कि एक परस्पर सरल अनुपात में हो गए 3:8। ये भी क्या है, एक रेशियो ही कहलाता है, 3:8 क्या है, एक रेशियो ही कहलाता है। यानी कार्बन ऑक्सीजन दो भिन्न भिन्न है, हाइड्रोजन के मास हमने फिक्स किया, इसको फिक्स कर रही है क्योंकि यहाँ पर H4 है, इसलिए हम यहाँ से 2 से मल्टीपल करे थे, यहाँ पर क्या हो गया 4। अब यह और यह दोनों सेम हो गया, और बच गया कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्सीजन का हमने क्या क्या कंपेरिजन किया था, 12:32 आया और 3:8 आ गया। क्लियर। ठीक इसी प्रकार CO2 में देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, कार्बन कितना हो गया 12 और ऑक्सीजन कितना हो गया 16:32, जो 3:8 ही है। ठीक है, 3:8 क्या है, 8 ही है, एक परस्पर सरल अनुपात में है, या पूर्व भार का जो रेशियो है, पहले जो इनका रेशियो था वही इसमें भी आ गया, यही इसमें भी आ गया। तो यही रिएक्शन करता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम यही आपका कहता है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको लेके आएंगे गेलुसक का गैसीय आयतन का नियम। ठीक है, थैंक्स बाय वाचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करके, और अभी आप डेली स्टडी करना चाहते हैं तो डेली आप हमारे वीडियो को वॉच करते रहें और डेली आप घर बैठे स्टडी करते रहें। थैंक्स।